के टीवी सीरियल्स रबर बैंड की तरह होते हैं, कितना भी खींचो टूटते नहीं। पर रबर बैंड के खींचने की भी एक हद होती है, और जब वो हद पार हो गई तो टीवी चैनल वालों ने सोचा कुछ नया किया जाए। हमारे प्रोड्यूसर ने बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं और उसे मालूम है कि इस नए का मतलब होता है दो दिन पुरानी दाल में बस नया तड़का लगा देना। प्रोड्यूसर ने कहा मैं एक रियलिटी टीवी शो बनाऊंगा, यानी असली जिंदगी की असली कहानी, लेकिन शो बनाऊंगा शादी ब्याह पे। चैनल ने उसकी बात तुरंत मान ली। शादी ब्याह से किसको प्रॉब्लम है, ना दिखाने वालों को ना देखने वालों को। शो के टीवी पे आने की तारीख तय हो गई और मालूम पड़ा शादियों का तो मौसम ही नहीं है। इधर ढूंढा उधर ढूंढा और मालूम पड़ा एक परिवार में शादी हो रही है, और ये परिवार है जोशी परिवार। ये क्या बात है माँ, आज आपने फिर खाना नहीं खाया? तू चिंता मत कर, मरूंगी नहीं मैं। जब तक ज्योति को बेटा नहीं होगा तब तक क्या भूखी रहोगी? ये क्या पागलपन है माँ? तू दूसरी शादी कर ले। अरे जा तो रहा हूँ। तू कोई पहला मर्द नहीं है इस दुनिया में जो दूसरी शादी करेगा। और ज्योति का क्या होगा माँ? क्यों इतना सोचता है तू? ज्योति ने हमारे लिए क्या किया कि हम ज्योति के बारे में सोचे? माँ ज्योति, बाप रे कितनी मनहूस आवाज है, उसके बारे में कोई कुत्ता है। अरे स्नूपी आ गई तू, क्यों आया? तो चुन, तुझे जिसे चुनना हो उसे भगा भाई। से कोई की शादी के घर में रो रहा है। कौन गई थी बेटी जी? कौन मेरे बच्चों? कौन गई थी तू? किससे बात कर रहे हो देवर जी? ये मेरी बेटी है, ये मेरे बच्चों। कौन गए तू बच्चों? शादी के बगैर ही बेटी भी हो गई तुम्हारी? अरे ये क्या हो बेटा? तुम्हारी बेटी पेट से है देवर जी। बधाई हो, बिन ब्याह नाना बन गए तुम तो। बाबूजी खाना। ये क्या है? दही के आलू। दही के आलू? दही के आलू पसंद है क्या आपको? दही के आलू तो बहुत पसंद है मुझे, लेकिन खट्टा दही अब नहीं चलता। मुझे पता है आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसीलिए ताजे दही के आलू बनाए हैं। माँ कितने प्यार से बनाया करती थी आपके लिए। प्यार से? ये आलू तो कच्चे हैं, कच्चे। कच्चे? हाँ। बहुत कच्चा है बाबूजी, बहुत कच्चा है इनका प्यार। कच्चे? बाबूजी आलू कच्चे नहीं है, आपके मुंह में दांत नहीं है। इनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के और। पल पल में ऐसे। अरे तो बिना दांत मैं खाऊंगा कैसे? अरे सुनती हो, जरा मेरे दांत तो दे दो। उधर इतना फर्स्ट क्लास सीन हो रहा है और आपको अपने दांतों की पड़ी है। रुके रहिए दो मिनट, ब्रेक होगा तो दे दूंगी उठ के। तेरी माँ कितना ख्याल रखती थी मेरा, अब जब वो नहीं है तो बड़ी कमी महसूस होती है उसकी। ये तो है भी, फिर भी कमी महसूस होती है। बहू बेटा तू ही जरा मेरे पाउच में देख ले। हाँ जी। अरे मनोज कितने मजे की टहने पड़े ताऊ जी की। अबे सुन रहा है कि नहीं? दांत फोड़ेगा क्या? तेरी दो दो बाऊ जी, इसमें तो आपके दांत नहीं है। अरे साथ ले जाऊंगी। मेरे दांत नहीं है? अरे भाई मेरे दांत कहाँ है? अब तंग मत करिए मुझे, आपके दांतों का ठेका नहीं ले रखा मैंने। अरे तो मैं खाना कैसे खाऊं? अरे छोटी ताई दे दो ना यार, भूख लगी हुई ताऊ जी को। और पांच लड़के। दो मिनट का चैन नहीं है तुम्हारे साथ। ये कहाँ है वो कहाँ है? जिस दिन मर गई ना पता नहीं कैसे जियोगे अपने आप से। एक बार आप अपनी बेटी को यहाँ भी नहीं है। चौखट से कहाँ रख दिए तुमने अपने दांत? आप ही को तो दिए थे। मुझे दिए थे? हाँ। मुझे कब दिए थे? अरे वही दोपहर का खाना खाने के बाद आप ही को तो दिए थे।
दोपहर का खाना? अरे वो तो हमने ट्रेन में खाया था। हाँ, ट्रेन में खाया था। हाय हाय हाय, अरे कहीं ट्रेन में तो नहीं छोड़ दिए आपने अपने दांत? तो आपने मेरे दांत ट्रेन में ही छोड़ दिए? क्या है सब? लड़के वालों ने भेजा है। क्यों? आपके अप्रूवल के लिए। बोल रहे भारत में ही बैंड आएगा, पसंद नहीं है तो अभी मना कर दो। अब तो क्या बैंड बाजे के लिए हमसे ही पूछेंगे? ठीक है हो गया, बोल देना पसंद आ गया हमें। अरे सुना तो है नहीं, बोल रहे पसंद है। अरे भाई तुझे स्टेशन कब जाना है? कब की ट्रेन है? सुबह जाऊंगा, 6 घंटे लेट ट्रेन, मैंने पता किया है। मानो कभी कभी कुछ टाइम से पहुंचता ही नहीं, ड्राइवर भी है कि चला गया। ले आऊंगा टैक्सी से ले आऊंगा। ठीक है। ये क्या है? हाँ जी, ये क्या है? चश्मा है। रात हो गई है, अंधा हो गया क्या? जी शादी का माहौल है। उतारी से? हाँ? अरे उतारी से, और स्टेशन जा, इंतजार कर वहाँ। हीरो बनेगा चश्मा पहन के। अंकल वो तेरे नाम वाला गाना बजाओ ना। अबे डांट पड़ जाएगी अभी अंदर से। बस एक गाना मनोज अंकल। जय अंदर चलो। बस एक गाना मम्मी। सुनवा दो ना, वो नहीं मानेगा। बजाओ। राइट का सिग्नल देके लेफ्ट मारता है। अबे रनिंग का लाइसेंस लेके गाड़ी चला रहा। ए भाई गाली मत दो। अरे आपको थोड़े दे रहा हूँ साहब। अरे किसी को भी मत दो, लेडीज लोग बैठी हैं। अरे ए हटा यहाँ से, समझा? पता नहीं। ए राकेश घर कितना दूर है अपना? तो जी मेरा नाम मनोज है। हाँ वही। अच्छा छोड़िए टैक्सी, अपन पैदल चलेंगे। अरे एक मिनट मैं देखता हूँ। आप बैठो, देखना बाहर। ताऊ जी, ताऊ जी बाहर निकलो। बड़े शरीफ लोग रहते हैं मुंबई में, दरवाजा तो देखो इनकी। हमारे बिहार में ऐसा होता ना तब तक पता नहीं क्या हो गया होता। सामान निकालो, पैदल चलेंगे हम। अरे ताऊ जी चाचा बिहार क्या? अरे हिसाब किताब करो, क्या हुआ इतना पैसा हुआ? अरे हम बिहार के हैं चाचा। अरे राकेश का है चाचा। चलो कौन राकेश? राकेश सामान निकाल। अरे कौन राकेश? अरे चाचा तुम तो नाराज हो गया। अरे तोहरे जैसे लोग की वजह से बिहार बदनाम हो गया। राकेश सामान निकाल। अरे ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी हमारा नाम मनोज है। हाँ वही वही। अरे सुन, ये वही है ना वो सुरेश का छोटा वाला लौंडा जो नसबंदी के बाद भी पैदा हो गया था। ऐसा बोलिए ना, सुन लेगा वो। अरे सुन लेगा तो क्या सुन लेगा, जब है नसबंदी की पैदाइश तो है नसबंदी की पैदाइश। I'm sorry. Yeah, it's okay. मैं उठ जाऊं? हाँ? उठ जाइए। सॉरी। अरे जल्दी कर राकेश। मेरा नाम राकेश नहीं है। तू जा। सुनिए सुनिए जरा, ये घर कहाँ है बताएंगे? ये आप? अस्मी। भाभी? भाभी? अस्मी भाभी? नहीं अस्मी, लेकिन भाभी आप तो कल आने वाली थी। आने वाली तो मैं कल थी, लेकिन अरे काम आ गया ना। तो क्या काम? आपको मुझे फोन करना चाहिए था, मैं आपको लेने आया था। ताऊ जी अस्मी भाभी। पैर छू भाभी, उड्डा बड़ा खुर्राट बुरा मान जाता है। पैर छू। छू 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 इनके। हाँ छू, मान जाएगा बुरा मान जाएगा। जाओ नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। और ये बड़ी ताई जी हैं। और ये रितु है, इनकी मत छूना। हाय हाय आंटी आंटी। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, बहुत अच्छा हुआ। भाभी नहीं। क्या मतलब? भाभी नहीं मतलब अस्मी? यस भाभी नो। अच्छा अच्छा, आपने फोन पे भी कहा था कि मुझे भाभी मत बुलाओ, मैं उम्र में छोटी हूँ। मैं भाभी, ये शादी का घर है, सारे बुड्ढे बुड्ढी इकट्ठे हैं, भाभी को भाभी नहीं बुलाऊंगा, लोग घर से निकाल देंगे। बड़े ताऊ जी, वो रहा अपना घर। हाँ वो होगा वो वहाँ सामने वाला। वो क्या कौन सा वो? चलो अरे आप चलिए ना, मिल जाएगा। लेकिन भाभी चलिए 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 भाभी आगे आइए आइए। ये बिहार वाले ताऊ जी देखने में उतने बुड्ढे नहीं लगते जितने दरअसल हैं। सर में हेयर डाय लगाते हैं, सुबह उठते ही 100 दंड बैठक पेल देते हैं, और ठरकी ऐसे कि इस उम्र में भी कामसूत्र इनकी फेवरेट किताब है। लेकिन ये अस्मी भाभी कैसे आ गई? जरूर भैया ने बोला होगा कि मैं जाऊंगा तो घर वाले मेरी खाल खींच लेंगे, तुम चली जाओ उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। भैया कैसे हैं भाभी? देखिए मैं भाभी। अच्छा आप उठा लीजिए उठा लीजिए उठा लीजिए उठा लीजिए। मगर मैं भाभी नहीं। भाभी भाभी मुझको कोई दिक्कत नहीं है, उठाइए इसको उठाइए। आप लोगों ने भाके कोर्ट में शादी की, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूँ भाके कोर्ट में शादी करना चाहिए, और जिसमें दिलाए उसी से करना चाहिए। अभी घर वाले आपको सुनाएंगे, थोड़ा बहुत सुन लेना। आइए मिल लीजिए सबसे, एक एक करके घर वालों से। आइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए भाभी आ जाइए आ जाइए।
अरे भाई देखिए देखिए, मेहमान लेने गया था एक, वो लेके लौटा हूँ। बताइए कौन आया है? अरे कौन आया है? अरे आया होगा कोई, मुझे क्या पता। अश्मी भाभी आई हैं। मैं नहीं नहीं मैं अश्मी। अम्मा ऐसे मत रो। रोऊं कैसी नहीं, इस लड़की ने मेरे बेटे को पराया बना दिया। अरे हाय रे हाय, 2 साल से मुंह नहीं देखा अपने बेटे का। अम्मा चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ। अरे कोर्ट में जाके शादी करवा ली। आप डरना मत भाभी, सब नाटक है, चुप हो जाएंगी अभी। अरे आप क्यों चुप हो गए, बोलते क्यों नहीं कुछ? अरे मैं क्या बोलूं, मेरे दांत तो ट्रेन में ही छूट गए। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? रोते नहीं, रोते नहीं। बताऊं भाई जी। अरे तो कुल्ला तो करके आया। देखो मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, मैं अश्मी हूँ, लेकिन मैं भाभी। प्लीज, मामला बिगड़ जाएगा। For God's sake, why don't you understand? मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। I understand, भाभी, I understand, लेकिन फिलहाल तो भाभी को भाभी बुलाना पड़ेगा ना। To hell with your भाभी। मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। अरे तो क्या अब रिश्ता भी नहीं मानेगी ये लड़की? अरे माँ से छिड़वा लिया बेटे को, अब क्या सारी दुनिया से रिश्ता तुड़वा कर ही दब लेगी? आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं अश्मी हूँ, अश्मी गनात्रा, अश्मी भाभी नहीं। शट अप। और मैं दिल्ली से नहीं आई हूँ, मैं तो यही मुंबई में रहती हूँ। मैं एक टीवी डायरेक्टर हूँ। ये क्या होता है? मैं टीवी सीरियल बनाती हूँ। कौन सी सीरियल आंटी? आंटी आई मीन मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी तक कोई बनाई नहीं है। आई मीन बनाई नहीं है। मैं एक नया सीरियल बनाने वाली हूँ आप लोगों पर। हम लोग इस शादी पर 13 एपिसोड बनाएंगे, और जिस दिन ये एपिसोड टीवी पर आएंगे, आप लोग सेलिब्रिटीज बन जाएंगे। बस यूं एक ही रात में। क्या बन जाएंगे? कौन सी सिटी? पब्लिसिटी ताऊ जी, हम लोग फेमस हो जाएंगे। तो फेमस होके क्या करेगा तू? अरे हम पूछते हैं, फेमस होके क्या करेगा तू? तेरा दूध वाला फ्री में दूध दे देगा तुझे, या तेरा बनिया तेरा उधार माफ कर देगा? हम पूछे थे फेमस होके क्या उखाड़ लेगा तू? ताऊ जी, आज की दुनिया में तो हर कोई फेमस होना चाहता है। अब आपसे हम क्या बात करें मैडम जी, आपको तो जानते भी नहीं है हम। बोला बाबू, तू ही बोला, तोरे घरे आयल बाड़ी तो तू ही बतियावा। अब ताऊ जी, मैं अरे मैं क्या करता है, जो दिल में आता है बोल दे। मैं बकरी का बच्चा। ऑटोग्राफ दीजिए ना। किस पे दूं? कहीं भी। घमौरियों का इलाज, शेखर जोशी का सिर्फ एक ऑटोग्राफ। ठीक है, मुझे मंजूर है। आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे परेशान क्या, टीवी पे शादी दिखाएंगे। इन टीवी वालों की माँ बहन नहीं है क्या? अपनी माँ बहन की शादी दिखाओ टीवी पे, और जरा इस सुरेश के लड़के को देखो, न घर की इज्जत का सोचा न कुछ, और बस कह दिया हाँ। अरे टीवी पे आएगा तो फेमस जो हो जाएगा। अरे फेमस तो हम सब हो जाएंगे। तुम कहाँ से फेमस हो जाओगे? दुल्हन उसकी बेटी, दुल्हन का बाप वो, दुल्हन की माँ उसकी बीवी, सारा टाइम वो ही लोग फोकस में रहेंगे।
तुम तो यहाँ वहां खड़े हो गए कहीं वो क्या नाम है एक्स्ट्रा की तरह सर पे गुलाबी साफा बांध के। असली स्टार तो वो लोग होंगे। तो क्या हो गया, वो भी तो अपने घर के ही लोग हैं। तुमसे कौन पूछ रहा है? मुंह में दांत है नहीं, बातें करेंगी बड़ी बड़ी। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये सुरेश का लड़का हम सबकी इज्जत उतार देगा भरे बाजार में। अरे ये कोई क्या गिरा दिया? ये ये क्या है? अरे ब्रा और चड्डियों का बिजनेस है ना सुरेश भैया का। इधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं किधर चला। ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हाय दिस इज ऋतु जोशी और सबसे पहले मिलते हैं दुल्हन से। आगे बाराती पीछे बैंड बाजा आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। हाय दिस इज ऋतु जोशी। 4 दिन बाद है शादी, मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। सो हाउ यू फीलिंग मैन? फीलिंग लाइक शिट। सो दैट्स हाउ अ ब्राइड फील्स टुडे। शी फील्स शिटी 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 ब्राइड शिटी शिटी ब्राइड। हे दीदी थोड़ा ग्लैमर कम है तुम में। Yeah? Yeah! 1 minute, check this. छी 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 छी। इसमें छी छी क्या? इसी की तो रोटी खाते हैं ये लोग। हाँ तो यही तो हम कह रहे हैं, पाप की कमाई खा खा के धर्म ही भ्रष्ट हो गया है इन लोगों का। 40 साल से झूठ बोल रहा हूँ भागलपुर में। ए सुना सुरेश बा बड़ा पैसा वाला हो गया बा मुंबई में, कहाँ काम करता है? अब कहाँ बताएं क्या काम करता है, ये बता दें कि ये 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 औरतों की चड्डी चोली बनाता है। गर्दन झुक जाती है शर्म के मारे सवाल सुन के। क्या काम करता है? कपड़ों का बिजनेस है, बस यही बताते हैं। और पाप की कमाई खाओगे तो पाप ही निकलेगा। अब देखो कैसी हरकत की उसके लड़के ने, फेमस बनने के लिए अपने घर की इज्जत सारी दुनिया के सामने खोल के रख देगा। नहीं ये यहाँ से मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। वो हाय दिस इज ऋतु जोशी और अब हम बात करेंगे दुल्हन के सबसे बड़े दादाजी से। दादाजी आपको इस शादी में आके कैसा लगा है? नहीं ये दादाजी आपके हाथ में क्या है? अबे दादी का ब्रा। बड़े ताऊ जी आपका रूम वही है। अरे हम वापस जा रहे हैं। वापस? वापस कहाँ? अपने घर। इस शादी में अब नहीं रुक सकते हम। लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या बेटा, हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। ऐसा क्या हो गया बड़े ताऊ जी? भैया सोच के तो ये आए थे कि अपनी पोती की शादी में जा रहे हैं, पर यहाँ आके पता लगा कि तू अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहा है, टीवी सीरियल बनवा रहा है। नहीं भैया नहीं, हमें तो माफ करो, घर लौटेंगे तो लोग कहेंगे जोशी जी गए तो थे शादी में, आए हैं लौटंकी में काम करके, तो क्या जवाब देंगे? बड़े भाई साहब ठीक कहते हैं, हम भी नहीं रुकेंगे शादी में। नहीं रुकेंगे? पर मेरे दांतों की डिलीवरी तो कल है। अरे तो आप रुकिए अपने दांतों के साथ, मैं तो जाऊंगी। लेकिन बड़े ताऊ जी घर के बड़े बूढ़ों के बगैर शादी कैसे होगी? कोई कहीं नहीं जाएगा, जो इस घर के बड़े बूढ़ों की राय है इस घर में वही होगा। शेखर उस टीवी वाली को फोन कर दो। It was so simple, like a piece of cake. मैंने कहा आप लोग स्टार बन जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड 45 करोड़ घरों में हमारी ऑडियंस। 45 करोड़ नहीं, 47 करोड़, 470 million homes. 47 करोड़ घरों में हमारी ऑडियंस आपके घर की इस शादी को देखेगी। I knew it was a wonderful idea. I knew it from the beginning. All my ideas are great, darling. Super idea. Huh? Super. But that's my idea. Hello? Asmi bol rahi hoon.
मिस्टर जोशी। हाँ बोलिए बोलिए। व्हाट? लेकिन क्यों? घर की इज्जत? लेकिन ऐसे कैसे? हाँ वो तो है, लेकिन आप, लेकिन मैं, लेकिन आप अपनी बात से। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? उन लोगों ने मना कर दिया। व्हाट व्हाट व्हाट? कहते हैं घर के लोग नहीं मान रहे। आई न्यू इट, आई न्यू इट डैम वेल। यू गाइस आर सो इनकॉम्पिटेंट, एब्सोल्युटली इनकॉम्पिटेंट। हम ये शो किसी और को दे देंगे। आज ही दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मैं कुछ करता हूँ। आई न्यू इट, मैंने पहले ही कहा था कि इतना बड़ा शो कोई फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैंडल कर ही नहीं सकता। मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था। डैम, अपनी ऑडियंस प्रोफाइल को तो आप जानती ही हैं। हाँ, इस तरह के कपड़े पहनकर गई थी। आई मीन ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली से मिलने जाते हैं और इस तरह के कपड़े। नो वंडर दे डोंट रिलेट टू यू। जूलिया रॉबर्ट्स हैं आप? हाँ। डेमी मोर हैं आप? नहीं, इंडियन शादी पर शो बन रहा है और कपड़े ऐसे जैसे अभी अभी इंग्लैंड से वापस आए। मैं कुछ करता हूँ। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? मुझे बस एक दिन का टाइम और दे दीजिए। दिया, एक दिन का टाइम आपको दिया। ओके, वन डे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए हम आपको एक नया ऑफर देते हैं। अजी ये क्या कोई मच्छी मार्केट है जहां आप वो क्या कहते हैं बार्गेन करने आ गए हैं? बार्गेन। क्या डिसाइड हुआ अंकल? शूटिंग वूटिंग नहीं होगी। ओह नो। ओह यस। होती तो बड़ा मजा। या भाभी थोड़ी मिठाई देना। मिठाई? हाँ अभी लाई। हाय दिस इज रितु जोशी। अब आपसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अब आप ये गाना सुनिए, अगले शो पे फिर मिलेंगे। चाओ चाओ दिल के अरमान। अरे गए गए वो। दाऊजी बिठाई। चले गए? अरे गए गए वो तो गए। अरे नहीं यार मनोज, अभी बाहर ही गए होंगे वो। जाओ जल्दी जाओ जल्दी। शादी का घर है, मिठाई तो खिलानी चाहिए ना। अरे मिठाई खाने वाले बहुत हैं घर में। सुनिए सुनिए सुनिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?
मैं तो ये मिठाई ला रहा था आपके लिए। हा? बड़े अजीब लोग हैं आप, पहले धोखा देते हैं फिर मिठाई खिलाते हैं। आप इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। आप अपना ये हाथ हटा लेना तो मैं उठ जाऊं। ओ सॉरी। उठिए उठिए उठिए। मुझे उठना आता है। हमें भी गरीबों को उठाना आता है। ये लीजिए, ये। मैं उठा लूंगी। अरे हमारे हाथ गंदे थोड़ी हैं, देखिए देखिए। ये लीजिए। आप किसी और की शादी कवर क्यों नहीं कर लेती हैं? ये शादियों का मौसम नहीं है। मतलब पूरे बंबई में कोई शादी नहीं हो रही? हो रही है, लेकिन हमें जॉइंट फैमिली की शादी चाहिए और ऐसी शादी सिर्फ आपके यहाँ हो रही है। तो अभी आप क्या करेंगी? आपको क्या करना है? नहीं मतलब, अरे यार करेंगे क्या, ये मेरा पहला चांस था, अब ये लोग मुझे निकाल देंगे। कोई बात नहीं, सब छोड़ छाड़ कर मैं भी शादी कर लूंगी। लगता है ये इंडस्ट्री मेरे बस की बात ही नहीं है। काश ही मेरी शादी होती, मैं तो आपको एकदम हाँ कह देता। तो कर लीजिए ना आप भी शादी। किससे करूं, कोई है नहीं ना। मिठाई खाइए, मेरी शादी की नहीं, मेरी भांजी की शादी की सही, खा लीजिए। थैंक्स, बाय। जल्दी चल, अंदर पकोड़े पकोड़े चला रहे सब लोग। क्यों देवल जी, किसके ख्यालों में डूबे हो? कुछ नहीं भाभी, ऐसे ही। ऐसे तो नहीं देवल जी, अभी अभी मुस्कुरा रहे थे तुम। मैं ऐसे ही औरतों को देख के मुस्कुरा रहा था। हाय हाय, किसको देख के मुस्कुरा रहे थे तुम? हम भी तो देखे। कौन सी, वो बैंगनी साड़ी वाली? भाभी उस बैंगनी के दो छोटे छोटे बैंगन, एक बड़ा बैंगन है, वो मैरिड है, मैं मर्डर कर दूंगा आपको। अच्छा बाबा, तो फिर तुम ही बता दो, वरना हम तो नए हैं तुम्हारे शहर में, दो दो बैंगन वालियों के साथ ही रिश्ता जोड़ देंगे। अरे भाभी हमसे कौन रिश्ता जोड़ेगा, नाकारा है, कॉलेज पूरा नहीं किया, ये जिंदगी तो मेरी कुंवारेपन में ही बीतने वाली है। क्यों, हमसे बोलो तो अभी खड़ी कर देते चार पाँच। अरे जाओ भाभी जाओ, आपकी ये पकोड़े भी मेरी तरह बासी हो जाएंगे, जाइए। अरे भाभी दिल तो मेरा भी आया, लेकिन बड़ी दूर की कौड़ी है। अश्मि गनात्रा जू स्कीम। ये चिपकू यहाँ भी आ गया। हाय, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वो लोगों ने आपको काम से निकाल दिया क्या? ये पूछने के लिए इतनी दूर से आए हो? नहीं नहीं, मैं आपसे एक काम की बात करने के लिए आया हूँ। क्या काम की बात है? यहीं खड़े खड़े कर लें क्या? मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। तो कोई मेहमान आता है तो आप उसको बाहर से निकाल देती हैं क्या? आ जाओ। आ,
गया था वहाँ। ओ थैंक्स थैंक्स। घर आपका? अच्छा है, मालूम है। थैंक्स ऑल द सेम। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। थोड़ा घर छोटा है आपका। तो आपको क्या करना है? आपको बैठने की जगह मिल जाएगी। हाँ नहीं, वो तो मिल जाएगी, लेकिन मैं बैठता हूँ तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। बट एनीवे थैंक्स ऑल द सेम। अब जाना, यहीं खड़ा रहेगा क्या? मैं इसलिए आया था, एक आइडिया है मेरे पास। आपको आइडियाज भी आते हैं? वही तो आते हैं, खूब आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन कोई मेरा आइडिया सुनता नहीं। आप अगर मेरा आइडिया सुन ले तो आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा शायद। मैं कपड़े बदल के आता। नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी चलेगा? मतलब? मतलब कपड़े क्यों, मैं आइडिया ऐसे भी सुना दूंगा। स्टूपिड, हम प्रोड्यूसर को मिलने जाएंगे बाहर। ओके स्टूपिड, वाह, वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। या वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे मालूम था आपको ये आइडिया पसंद आएगा। मैं काफी देर से सोच रहा था कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, और फिर बैठे बैठे मुझे अचानक से ये आइडिया आ गया। किसको आइडिया? तो इसके लिए तो उस घर में आपको किसी से बात करनी पड़ेगी। वो सब करके ही तो आपको फोन किया मैंने। आपका मतलब है कि आप ऑलरेडी उस घर में किसी को बता चुके हैं? यस मैम। वेरी स्मार्ट। थैंक यू मैम। आपको क्या हो गया, आप तो ऐसे ना थे। मैं ऐसे ही था मैम, मैं ऐसे ही था, बस अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था। चलो ठीक है, इस पे काम शुरू करो। बट रिमेम्बर, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मैम, 100% नो गड़बड़। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? आपने मेरे आइडिया को अपना आइडिया बना लिया उधर। अरे करना, मेरा आइडिया करना पड़ता है भाई, मेरे करना पड़ता है। आइडिया चुरा चुरा कर ही तो सब बड़े बनते हैं। अरे हम तुम्हें कॉम्पनसेट करेंगे ना यार, जो मदद तुम हमारी कर रहे हो उसके बदले में हम तुम्हें कितना कितना 50,000 देंगे। 50 5,00,000। 5,00,000? ऐसी बात मत कर मेरे यार, ऐसी बात मत कर। 5,00,000? इतने तो शोले के आइडिया के भी नहीं मिले होंगे यार। याद है आपने मेरे भाई को बोला था शादी का आधा खर्चा हम उठाएंगे, 3,00,000 होते 3,00,000 दे तो खत्म हो गई बात। अरे इसे समझाओ अश्मी, इसे कुछ समझाओ। अरे भैया वो तो मैं खुल्लम खुल्ला शूटिंग की बात कर रहा था, तुम्हारा आइडिया तो चोरी छिपे करने का है। मेरा आइडिया? अरे मेरा आइडिया है। ओह माय गॉड, अभी मेरा आइडिया है। नहीं अब मेरा आइडिया है ये। चलो अंदर, अब मेरा आइडिया हो गया ये। हाय कविता। ओ हाय, क्या हुआ? चैनल वालों को हमारा आइडिया पसंद आया। हमारा आइडिया? हमारा आइडिया? हमारा आइडिया? अरे तुम्हारा आइडिया यार। अब फिर हमारा आइडिया? हाय आई एम कविता, मैं सीरियल की राइटर हूँ। राइटर? राइटर? राइटर क्यों? तो अभी मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं, आज रात को जब मेरे आदमी तुम्हारे घर में कैमरे फिट करने आएंगे तो बस कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कैसी गड़बड़? देखो मेरे आदमी तुम्हारे घर में 5 कैमरे लेकर आएंगे और वो ऐसे छुपाएंगे उन्हें कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी मान लो खुदा ना खास्ता तुम्हारे घर में किसी को पता चली गया तो उसे समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ओके ओके, तो ये कैमरे में भरेगा कौन? मतलब रिकॉर्डिंग कौन करेगा? रिकॉर्डिंग पे तो अश्मी और कविता बैठेंगे। हाँ तो मेरी भी एक शर्त है। क्या? फिर तो मैं भी बैठूंगा। क्यों? अरे देखने के लिए कि आप लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। अरे शादी रिकॉर्ड कर रहे हो और क्या? क्या पता, क्या पता, कुछ भी आप रिकॉर्ड कर लो, मेरे भैया भाभी कुछ रोमांटिक मूड में आप लोग रिकॉर्ड कर लो तो। अरे तुम्हारे भैया भाभी की ब्लू फिल्म नहीं बना रहे हम लोग। मेरे भैया भाभी के बारे में वल्गर बात मत करना, वो लोग ऐसे लोग नहीं है। मान लो अगर आपने वो बना दी, मार्केट में भेज दी ऐसी फिल्म, तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ मुँह दिखाऊंगा, बताओ आप, बोलो आप, बोलो। अच्छा चलो चलो, मानी तुम्हारी ये शर्त। लेकिन अश्मी बस ये समझ लो कि ये हमारे सीरियल के सेंसर हैं। लेकिन तुम्हें रिकॉर्डिंग पे बैठना है कि नहीं?
से बोलो कि सेंट लगा के बैठेगा मेरी बगल में। एक फूल के बगल में सेंट लगा के बैठना फूल की इंसल्ट है। और तुम्हारे जैसे फूल के बगल में बैठना भी खुद की इंसल्ट करना है। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे फूल एंड फूल, फूल एंड फूल। अरे यार लाइट भी चली गई है, सारी दुनिया में तो लाइट चल रही है। आपने बिजली का बिल भरा था भी या नहीं? हाँ जी, मैं तो बिजली वालों का दामाद हूँ, मुझे तो फ्री में लाइट मिलती है। अरे जरा संभल कर जाना, वहाँ मेरे नए दांत रखे हैं। मैं पूछती हूँ कि आखिर आप अपने दांत अपने मुंह में क्यों नहीं रखते? अरे क्या हुआ? अरे भाई संभल के संभल के, अरे कुछ तो जलाओ भाई, अंधेरे में शादी घर अच्छा लगता है कहीं। कैसे जलाओ, कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे कोई है क्या इधर? लोग देखेंगे तो क्या कहें? अरे देखेंगे कैसे, लाइट ही नहीं है। चल चल। अरे मनोज, अरे मनोज, अरे मनोज, मर गए, टूट गई टांग। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर। ये पिया कहाँ गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सपने देख रही होगी अपने दूल्हे राजा के। आ, आ। अरे अरे भाई राकेश कब आएगा वो तेरा? जी मेरा नाम मनोज है ताऊ जी, मनोज। हाँ वही, कब आएगा वो तेरा बिजली ठीक करने वाला? हट। आखिर बच्चे ही तो हैं। अरे बच्चे हैं तो बच्चों लाइट में लगे हैं। अरे तुम्हें सुनना यार, शालू का भी तो चक्कर चल रहा है। क्या बात कर रहा है? कमाल है, सबके घर में है रोशनी, लेकिन एक नहीं है तो हमारे घर में नहीं है। कौन है? एक मिनट रितु। हुँ? क्या कर रही तू यहाँ? कुछ नहीं। कौन है ये? रेखा चाची। रेखा चाची, तो ऐसे भागी गई ऊपर? What do I know? कौन है, कौन है, कौन है? ए, ए, अरे इतनी देर क्यों लगा दी आप लोगों ने? सर चार चक्कर लगाया मोहल्ले के, लेकिन आपका घर ही नहीं मिला सर। चलो जल्दी से लगा खत्म करो, सब लोग आंगन में बैठे हैं अभी, गर्मी के मारे हालत खराब है। और ये फायर ब्रिगेड क्यों बन के आए आप लोग? सर कॉस्ट्यूम ही यही दिया सर। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। हो गया? चलो भाई। अबे क्या हो गया राकेश, कुछ भी तो नहीं हुआ? अजय मेरा नाम नहीं, मनोज है ताऊ जी। अबे चुप। हाँ वही। Here you go. आंखें खुली रखना सेंसर साहब, कहीं हम लोग कुछ उल्टा सीधा ना रिकॉर्ड कर लें। मैं तो चाहता हूँ कि आप इस घर को अपने ही घर समझें और मेरी फैमिली को अपनी फैमिली। बहुत पकाएगा, बहुत पकाएगा ये यहाँ बैठ के। वाओ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग यार। नीरज थोड़ा जूम करो ना पिया पर। कैमरा नंबर 3। हियर यू गो। बस 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 बस, व्हाट्स द आइडिया? ये देखो, एक लड़की, एक खूबसूरत सी लड़की आईने के सामने बैठ के क्या सोच रही होगी? क्या सोच रही होगी? भूख लग रही है, उसको खाना नहीं दिया ससुरों ने अभी तक। प्लीज अपने फ्लॉप जोक्स बंद करो, हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम इस होने वाली दुल्हन का एक मोन्टाज बनाए तो कैसा रहेगा? कभी आईने के सामने बैठी कुछ सोचती हुई, कभी कभी खिड़की से बाहर कुछ ताकती हुई,
कभी रात के अंधेरे में सपने देखती हुई, कभी 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 डंडरफ झाड़ती हुई, कभी नाक सुड़कती हुई, कभी टॉयलेट से निकलकर हाथ धोती हुई, कभी कभी दिस मैन इज इम्पॉसिबल. व्हाई? यू एंड योर सिक जोक्स. थैंक यू वेरी मच. ओह, एक खूबसूरत दुल्हन के अलग अलग रूप, उसके सपने, उसकी खुशियां. और इस मोन्टाज पर हम एक गाना प्ले करेंगे. क्यों आजकल अक्सर कहीं उड़ जाता है ये मन मेरा, क्यों आजकल अक्सर कहीं उड़ जाता है ये मन मेरा, मुझे छोड़कर वो किसके घर उड़ जाता है ये मन मेरा. झूठी का आंगन अपने सभी छूटे सहेलियों के लिए तुम्हारे पास टाइम है? नीरज साउंड दो. घर वालों के सामने तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती ऋषभ? So what? I say so what? What do you mean by so what? मेरी दोस्त के साथ शॉपिंग पे जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? चलो ठीक है, तुम उसके साथ शॉपिंग पे चले गए, पर उसके कपड़ों का बिल पे करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? हाँ तो ये क्या है? क्या है ये? पिछले महीने 13 तारीख को तुमने मेरे लिए कौन सी शॉपिंग की थी? क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट झूठ नहीं बोलता ऋषभ. अरे उस टाइम उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने उसको पैसे दिए. वो तुम पे लाइन मार रही है और तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो. अरे तो जाकर फिर अपने दोस्त को समझाओ ना, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो तुम? क्या है उसमें? हाँ क्या है उसमें? बस देखिए लगे लाट टपकाने. तुम साले सारे मर्द एक जैसे होते हो. तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? क्या करोगी तुम? क्या करोगी तुम? अरे बाप रे, बहुत करारा मारा इसने. ओहो, ये तो पूरा फैमिली सोप चल रहा है आपके घर में. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. तो अभी सेंसर पर बैठना चाहते थे आप? दुनिया के जमाम में हम सब नंगे हैं डायरेक्टर साहिबा, फर्क सिर्फ इतना है कि खिड़की आपके घर में नहीं, हमारे घर में खुलती है. डायलॉग तो अच्छा है. अभी तो बहुत कुछ सीखना है आपसे. हम्म.
मुझे छत पे दूध लाने के लिए। आप हमेशा छत पे ही क्यों दूध पीते रहते हो? तू और कहाँ पीऊं? ये कोई दूध पीने की उम्र है आपकी? यही तो उम्र है दूध पीने की। छोड़ो, ये क्या हो? काका 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 वहाँ, ये तो फौजी है हमारे घर में काम करने वाली। तो ये उस दीवार के पीछे ब्रेक डांस क्यों कर रही थी? ब्रेक डांस? अरे ये देखो, ये देखो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। इतना सारा पिटारा खुल गया सबके सामने। परिवार तुम्हारे साथ है, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं। कौन है ये? शांत हो जाओ बेटा, सब ये अब है भैया है, तीसरे नंबर के भैया। रो क्यों रहे भाई? रो रहे घर जाओ, ये ना अपने बीवी घर में, बीवी घर में रहते हैं तो वहां से लात पड़ती है, तो बेचारे यहाँ आके रो रवा के अपना दिल हल्का कर लेते हैं। तो भाई जब बीवी से लात ही पड़ती है तो वहां रहते क्यों है? यहाँ भी लात पड़ती है ना, बीवी की लात भैया भाभी की लात से ज्यादा पसंद होगी इनको, खुद तो फुटबॉल बने रहते हैं, दोनों टीमें गोल मारती रहती हैं। लिख ले कविता, लिख ले सब कुछ लिख ले। ऐसी हिट फैमिली सोप का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तुझे फिर नहीं मिलेगा। हेलो, ये आइडिया तो वाकई में काम कर रहा है। कुछ मजेदार मिला? इतना मजेदार कि टीवी के बाकी सीरियल बिन मसाले की चाट लगेंगे इसके सामने। रैली। यस यस। आओ। चलो देखो। कंग्रेचुलेशंस अस्मी, तुम्हारा सपना सच हो रहा है। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। यू टू। नो। वाओ। नो। दिस इज नाइस। वेरी नाइस। वाह, देखा एक ही बार में फूट गया। भाभी एक मिनट, एक मिनट जरा इधर आइए। क्या हुआ? क्या बात है देवर जी? मुझे आपसे भैया की शिकायत लगानी है। फौजिया वाली बात आपको पता है? मर्दों की बेवफाई औरत से छिपती नहीं देवर जी, उनकी दया से सूंघ आती है हम लोगों को, और ये पहली बात थोड़ी ना है। वहां देहरादून में कई बार पहले बुरा लगता था, लेकिन अब जैसे आदत सी हो गई है। रात को जब मेरी दया भी ढूंढते हैं तो लगता है जैसे किसी और को प्यार कर रहे हैं। ये हमारे भैया क्या चक्कर है? वो जबरदस्ती करते हैं तेरे साथ या तू उनको बढ़ावा देती है? नहीं मनोज भैया, मैं तो वो ही पड़े रहते हैं हमेशा मेरे पीछे। अच्छा सुन, अगली बार वो कुछ करें, वो जहां कहीं भी हो तूने खींच के थप्पड़ मारना। मैं ऐसे कैसे? मैं कह रहा हूं ना, और इतनी जोर से मारना कि सबको आवाज सुनाई दे, फिर जो होगा मैं देख लूंगा। अरे आ।
घर में किसी को भी शक नहीं था कि छिपे हुए कैमरों से उन पे नजर रखी जा रही है, लेकिन मोहल्ले में किसी ने हमारी वैन देखकर पुलिस में कंप्लेन कर दी। रुक 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 यार। ओए, ओए, ओए। यस सर। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, अंदर कुछ दिखता ही नहीं। सर मुझे तो ये टेररिस्ट वैन लगता है। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? देख लेंगे। देख लेंगे। तू एक काम कर। हाँ। दरवाजा खुलवा। हाँ। आप सीरियसली कह रहे हैं सर? सर लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, गोली बोली लग जाएगी तो? वो अगर गोली चलाएंगे तो मैं क्या हाथ पे हाथ धर के खड़ा रहूंगा? मैं भी गोली चलाऊंगा, कवर करूंगा तुझे। आपके कवर के चक्कर में मेरी कवर खुद जाएगी वहां पर। इंस्पेक्टर मोहित चिंद। यस सर। मरने के बाद ही सरकार मेडल देती है। यस सर। लेट मोहित शिंदे परमवीर चक्र, इसलिए डर मत। यस सर। जा दरवाजा खुलवा। यस सर। लेकिन सर कोशिश करना कि मुझे मेडल ना मिले सर। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। हाँ सर। यस। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। एक मिनट सर, कोई दरवाजा वरवाजा नहीं है, सब कुछ सील है, घर चलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं है, चलिए। कॉमन सेंस होनी चाहिए, दरवाजा उधर है। दिस इज ए टेररिस्ट वैन। दरवाजा उधर है, गो। यस सर। यस सर। यस सर। जय जय हनुमान, ज्ञान को सागर। जय कपीश तिमुल लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान को सागर। जय कपीश तिमुल लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान को सागर। जय कपीश तिमुल लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान को सागर। जय कपीश तिमुल लोक उजागर। ओए सॉरी सर, सॉरी। जय बजरंग बली। मेरा मतलब है दरवाजा खोलो। पुलिस। अपने प्रोड्यूसर को फोन लगा। फोन 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 लगा। हाँ जल्दी सर। सर सर, यहाँ पुलिस वाले दो वैन के बाहर चक्कर लगा रहे। आपने शूटिंग की परमिशन ली है ना? नहीं ली तो फिर अब क्या होगा? ओह माय गॉड। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज हेल्प अस। वी आर वेरी सॉरी गॉड। मुझे जेल मत भेजना। अबे क्या हुआ? लगता है मुझे गोली लगी है सर। क्या? माँ को मेडल लेने के लिए भेज देना सर। हाँ हाँ जरूर। गोली लगी किधर है? यही कहीं थी सर। कोई गोली वोली नहीं लगी है। चीखने की आवाज अंदर से आई थी, वो किसकी थी? लगता है गोली अंदर लगी है सर। अबे लेकिन गोली चलाई किसने? सर आपने जो गोली चलाई ना मुझे कवर करने के लिए, वो अंदर लगी है। लेकिन मैंने तो गोली चलाई नहीं। आपने गोली चलाई नहीं? नहीं। आपने गोली चलाई ही नहीं? मैं वहां मॉल के दरवाजे पे खड़ा था और आपने गोली चलाई ही नहीं। बिहेव योरसेल्फ। आपने गोली चलाई क्यों नहीं? मैं मर चुका था। तुम एक काम करो, जाके दरवाजा खुलवाओ। मैं कोई दरबार नहीं हूं जो हर बार जाके दरवाजा खोलू। दम है तो आप जाइए ना। दम की बात मत करना। जूनियर हो, जूनियर की तरह बिहेव करो। मैं जाता हूं, कवर करना।
हाँ करूंगा कवर जैसे आपने किया था। इंस्पेक्टर शिंदे। यस सर। दैट्स एन ऑर्डर। यस सर। जैसे न्याय जी। हैंड्स अप। क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है ये? जी जी हम वो वो हम लोग एंटी करप्शन ब्यूरो से हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो? हाँ हाँ, ये ऑफिसर रश्मि हैं और ये हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि कोई करप्शन तो नहीं हो रहा। यहाँ कौन करेगा करप्शन? करते हैं होता है, लोग करप्शन करते हैं, यू डोंट नो, और हम लोग उस पर नजर रखते हैं। आपके पास कोई सबूत है कि आप एंटी करप्शन ब्यूरो से हैं? सबूत? ऑफिसर रश्मि जरा दिखाओ उनको जरा। हाँ? जस्ट शो हिम। आप रुकिए जरा, रुकिए, जस्ट शो हिम, शो हिम टीवी टीवी। हाँ दिखाओ दिखाओ। हम आप पर भी नजर रखे हुए इंस्पेक्टर। अगर आपने कोई ऐसा वैसा काम किया होता या ब्राइब ली होती तो आपकी रिपोर्ट इंस्टेंटली ऊपर पहुंच गई होती। ऑफिसर्स, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आजकल जमाना बहुत आगे बढ़ गया है इंस्पेक्टर। आप लोग मोटरसाइकिल भी चलते हैं, हम लोग टेक्निक भी चलते हैं। ऑन द स्पॉट। ओके। हाथ नीचे, हाथ नीचे। आपके पास आइडेंटिटी कार्ड तो होगा? ऑफिसर रश्मि, पुलिस कमिश्नर को फोन लगाइए। नहीं छोड़ो छोड़ो, बात को आगे मत बढ़ाओ। नहीं लगाइए लगाइए, क्या करें, इनकी भी तो ड्यूटी है। अरे राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा भाई। आप रुकिए, अभी अभी आई कार्ड दिखाते हैं। नहीं। सर, सर दिस इज मनोज, ऑफिसर मनोज स्पीकिंग सर। यस सर, थैंक यू सर, वेरी फाइन सर। सर यहाँ कोई इंस्पेक्टर है, वो क्या नाम क्या आपका? अरे नाम में क्या रखा है? सम कांडे सर, रोहित कांडे। ये सर ये हमसे आई कार्ड मांग रहे हैं। मैंने समझाया सर, मैंने बहुत समझाया, कह रहे हैं कि राशन कार्ड लेकर आओ। वुड यू लाइक टू टॉक टू हिम सर? शाउटिंग शाउटिंग। अब बात करो, बात करो, बात करो, अब बोल दो। समझ गया? बातों की नहीं। अरे सर मैं तो आपका फेस देख के ही समझ गया था कि आप करप्शन ब्यूरो से हैं, करप्ट ब्यूरो से हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो से हैं। आप समझाएं और हमने समझे सर। बोल देता, बोल दीजिए। सर ये कह रहे हैं कि मैं समझ गया। हाँ बिना बात किए समझ गया। हिज नेम इज कांडे सर, रोहित कांडे। ओके सर, सॉरी फॉर द ट्रबल सर, थैंक यू सर, जय हिंद। सर जय हिंद सर। क्या सर, अकेले अकेले बोर हो गया था मैं। वैसे डिमांड्स क्या हैं टेररिस्ट लोगों की? अरे टेररिस्ट नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। अच्छा, बस ये है कि जब तक ये वैन यहाँ पे है किसी से कुछ लेना देना नहीं। अरे अभी तो कह रहे थे अच्छे लोग हैं, ऐसे तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। कैमरे लगे कैमरे। क्या? कैमरे लगे कैमरे। क्या क्या क्या? कैमरे। कैमरे हो रहे हैं अंदर? कैमरे कैमरे। ओ कैमरे। सर मुर्गी, चिकन लॉलीपॉप। कैमरे। सर छत पर दूध लेकर आई क्यों नहीं? मेरे बेटे पर हाथ उठा दिए, अरे हिम्मत कैसे होती है? हिम्मत कैसे होती है? मेरे बेटे पर हाथ उठा दिए, छुड़ाया माँ, छुड़ाया माँ, अमर याद हो जाइए माँ, मैं बताती हूँ। हाथ छोड़ती है? अरे अपने लक्षण नहीं देखे?
यस। ठीक है, it's okay. It could have been better. Oh, we are working very hard, ma'am. It's so unfair. कुछ भी कर लो, ये लोग कभी खुश नहीं होते। अपने टीआरपीज आ जाए, फिर दिखाएंगे नहीं भी अपने चलते। हाय। इन इडियट्स की बस एक ही लगाम होती है असली, टीआरपी। आपको कैसा लगा? Well done, Asmi. Really, well done. चला जी वाली पहन के दिखा। मुझे नींद आ रही है। अरे नींद तो हर रात आती है। तुमको भी तो हर रात चढ़ी रहती है। अच्छा चल, करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ ये पहन के दिखा। चल। मैं नहीं पहनूंगी। अरे पहनूंगी कैसे? अरे नहीं, बोला मैं नहीं पहनूंगी। अरे पहनूंगी कैसे नहीं, मैं बोला हूं ना। नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी। मनोज ने प्रॉमिस किया था कि अगले दिन सुबह वो अपने घर से ब्रेकफास्ट लेके आएगा। गुड मॉर्निंग मनोज अंकल। हेलो बेटा, आप रात भर जागे होगे, नाश्ता कर लो। तुम्हारा दिमाग खराब है, हम क्यों जागेंगे सारी रात? सब रिकॉर्डिंग पे छोड़कर आराम से सो गए थे, इसी चला कर। इसमें अरे सुबह सुबह रो क्यों रही आंटी जी? अब आपके वो इंस्पेक्टर कांडे है ना, उन्होंने मिर्ची का हलवा भेजा था। बाप रे बाप, अभी बताइए उसमें क्या है। वेरी गुड, आप लोग रात भर एसी चला के सो गए। आप लोगों ने ये नहीं देखा कि इसके अंदर रिकॉर्ड क्या हो रहा है? अरे तो तुम आ गए ना सेंसर करने, भाई दिखा दो इन्हें, कहीं इनके हमाम की खिड़की कुछ ज्यादा ही खुली ना रह गई हो रात में। अब बैठ के सारी रात की रिकॉर्डिंग चेक करेंगे। अरे फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दो ना, फास्ट फास्ट करके। अरे यार रुको 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 रुको, ये तो वही जो परसों, रुकना। ये सुनो, अपने घर की ज्वेलरी चेक करा लो, कहीं कल रात सब लुट ना गई हो। आगे बढ़ाओ। रुकना रुकना, इसमें कुछ दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा नीरज थोड़ा ब्राइट करो। हाँ ब्राइट करो। नीरज साउंड दो। राहुल इतनी देर हो गई तुम्हें? ये तो गुप्ता जी का लड़का है। एक दिन मैं डेफिनेटली फंसने वाला हूँ, किसी ने मुझे देख लिया ना तुम्हारे घर वाले तो मुझे मार ही डालेंगे। राहुल कम ऑन, एक ही दिन की तो बात है, कल तक तो हम लोग भाग चुके होंगे। हाँ जैसे हम लोग परसों भागने वाले थे, ऑलमोस्ट पकड़े गए थे। किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं बाबा, सब लोग नीचे आंगन में बैठे हुए थे, वो लाइट जो चली गई थी ना। अच्छा सुनो, मैंने दो टिकट ले ली, पर पैसों का क्या करेंगे? राहुल मैंने 50,000 का इंतजाम कर लिया है, डोंट वरी। ग्रेट। काश कि हमें यूँ भाग कर नहीं जाना पड़ता। राहुल हमारे घर वाले हमारी शादी कभी नहीं करवाते। हाँ बाबा, बड़े घर की बेटी जो हो तुम, प्यार भी तो करती हो तुमसे। I love you too. अबे साले हरामी। अरे भारत साहब, मनोज ये क्या हुआ? मनोज अरे कुछ नहीं हुआ। मनोज अरे सुनो तो, मनोज क्या हुआ चाचा? बैठ। चाचू
मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ जाजो, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। शादी के लिए हाँ क्यों तूने? मैंने कहा हाँ की, वो तो सब कुछ आप लोगों ने तय कर दिया। हम लोग ने? हम लोग ने जबरदस्ती की तरह साथ? तू मारा पीटा? मारा पीटा नहीं, लेकिन कितनी बार कहा मैंने मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, कहती रही। तुझे बोलना चाहिए था मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है, मुझे दूसरे लड़के से शादी करनी है। अब व्यास कैसे पता चलेगा हमें? कहा था मैंने। किसको कहा था? मम्मी पापा को। क्या कहा था? उन्होंने बोला मुझे कि हम तेरी शादी वहाँ नहीं करा सकते, या तू सुखी ना हो। लेकिन उन्हें क्या पता मेरा सुख किस चीज में है। मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। जाजू, अब आपको कोई कुछ कहाँ बताता है? वैसे भी आपको इस घर में कौन सीरियसली लेता है? तो ये क्या बात हुई? भाग नहीं था तो तूने शादी का नाटक क्यों रचाया? घर वालों की इज्जत करने सोचा तूने? देख, अभी शादी के सिर्फ दो दिन रह गए हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता है। अगर हफ्ता दस दिन भी होता ना तो मैं भैया भाभी से बात कर सकता था, लेकिन अभी तो लड़के घर वालों को भी मना नहीं कर सकते। इतनी दूर से लोग आ गए हैं, सारे इंतजाम हो गए, इनविटेशन चले गए, अभी क्या बोले लोगों को? इनविटेशन वापस दो, हमें दूल्हे का नाम चेंज करना है। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी चाचू। बेटा क्या होता है ये प्यार व्यार? हाँ देख, बाकी लोगों को देख, शादी के एक साल बाद सब खत्म हो जाता है, सब एक से हो जाते हैं। ऋषभ चाचा रेखा चाची को देख, लव मैरिज की थी ना? हाँ, अभी एक दूसरे खून के पैसे हैं। लव मैरिज हो ना हो, सब प्यार से ही शुरू करते हैं, बाद में सब खत्म हो जाता है, बच्चे कच्चे घर बार ये सब। चाचू मेरा प्यार वैसा नहीं है। तेरा प्यार कोई अनोखा है? सब ऐसे ही बोलते हैं। और तू देखना, तू देखना कितनी खुश रहेगी उसके साथ। मैं मिला हूँ सड़के से, बहुत अच्छी लगती तुम्हारी जोड़ी, एकदम अमीर खान लगता है वो, और तू भी उसके साथ कोई हीरोइन जैसी लगती है। तूने देखी थी पिक्चर? देखी थी कयामत से कयामत तक? देखी थी ना? हाँ, कितने अच्छे लग रहे दोनों, याद है? चाचू, लेकिन उसमें भी तुम दोनों ने अपने प्यार की खातिर जान दे दी थी ना, कहा करने दी थी उनके घर वालों। अरे बहस पे बहस करती है तू खाली बस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सोचता हूँ कुछ, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन भागने का प्लान एकदम कैंसिल। हाँ, क्या नाम क्या है इस लड़के का? राहुल। राहुल साहब, शाहरुख खान की पिक्चर देख के आते हैं, फिर औलाद पैदा करते हैं, फिर उसकी फिल्मों के हीरो के नाम रख देते हैं। ये नहीं सोचते इनकी औलाद बड़ी होकर मजनू की बाप निकलेगी। चाचू, he was born much before शाहरुख film. तेरी आदत बहुत गंदी है, तू बहस पे बहस करती है। उन दोनों ने भी अपने प्यार की खातिर जान दे दी थी ना, कहा करने दी थी उनके घर वालों ने उनको शादी। अरे बहस पे बहस कर। वेरी ड्रामेटिक, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। ऑफ नो यूज एट ऑल। एक लड़की जिसकी दो दिन के बाद शादी होने वाली है, किसी और के प्यार में? नहीं, नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन वो है, ऑडियंस इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक तो प्यार, ऊपर से ये लड़की अपने प्रेमी के साथ भागने तक को तैयार है। No ways. The audience are going to reject it outright, which means no TRPs. और TRPs नहीं होंगी तो शो नहीं होगा। लेकिन इस तरह की बहुत सारी फिल्में हिट हुई हैं, जहाँ हीरोइन किसी और के साथ प्यार करती है और उसके घर वाले उसकी शादी किसी और के साथ तय कर देते हैं, और फिर हीरो और हीरोइन दोनों भाग जाते हैं। For your kind information, ये कोई लव स्टोरी नहीं बन रही है यहाँ पर। इस शो की हीरोइन है शादी, करेक्ट? ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट शो है मैडम, यू नो, डोंट गिव देम द रॉन्ग आइडियाज, बिकॉज़ दे गोना हेट यू एंड योर शो। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आप एक लव स्टोरी बनाना चाहते हैं। है आपके पास ऐसा कोई सीन जहां पर हीरो हीरोइन से पहली बार मिलता है? है ऐसा कोई सीन जहां पर हीरो हीरोइन से अपने प्यार का इकरार करता है? है ऐसा कोई सीन जहां पर घर वाले विलन बनकर आते हैं? वो दूसरी तरह की कहानी है अस्मी, और अगर वो करना था तो पहले करना था। ये कहानी एक शादी के बारे में है,
राइट? और अगर शादी नहीं होगी तो शो नहीं होगा. एंड दैट्स फाइनल. गॉड. हम लोग इतने झूठे क्यों हैं? जो है ये जिंदगी, हम उसे क्यों नहीं दिखाते? जो है जैसा है ठीक उसका उल्टा दिखाते हैं हम अपनी कहानियों में. भूख, गरीबी, कुछ भी नहीं होता हमारी दुनिया में. इस लग्जरी कार के एसी में बैठकर सोच रही हो ये सब तुम? जरा बाहर गर्मी में सड़ रहे इन लोगों से पूछो कि क्या चाहते हैं वो. ज्यादा परेशान मत हो अस्मी, अल्टीमेटली हम सब एक हैं. फिर जुड़े हाँ, हम उन्हें चुनकर पार्लियामेंट में लाते हैं जो हमारी ऐसी तैसी करते हैं. एक हाथ से जब हमें ब्राइब देनी पड़ती है तो हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन दूसरे हाथ से ब्राइब लेते हुए कुछ नहीं सोचते. ऐसा कब तक चलेगा? जब तक ये देश चलेगा. हम ऐसे ही थे, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे. अब पिया की लव स्टोरी का क्या करें? करना तो हमें वही पड़ेगा जो ये लोग चाहते हैं. तो मनोज से बात करो. मनोज को उसकी भतीजी पटा चुकी है. अब तो वो ये कह रहा है कि अगर पिया उस लड़के से सचमुच प्यार करती है तो वो भी उसके साथ. तो फिर तुम्हारा जादू किस दिन काम आएगा अस्मी? क्या तुमने उसकी आंखों में देखा नहीं कि वो तुम पर मरमिटा है? ये आप क्या कह रहे हैं? उसे पटाओ अस्मी, उसकी भतीजी से ज्यादा पटाओ उसे. अगर उसकी भतीजी जीत गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे. ये नहीं, नहीं नहीं, मुझे कुछ शादी के लिए दिखाइए जी. थैंक यू वेरी मच. रती, तुम मुंबई में? कहते हैं ये दुनिया गोल है, कितना भी भागो लोग मिल जाते हैं. कहाँ रुकी हो? तुम्हारी पोती के होने वाले दूल्हे के घर में. मैं उसकी नानी हूँ सुरेश, आखिर तुमसे रिश्ता जोड़ ही लिया मैंने. तुम उसकी नानी? हाँ. पर हमें तो किसी ने बताया ही नहीं. बताते तो क्या करते, रिश्ता नहीं जोड़ते. मेरे घाव मत कुरे तो रहती. घाव है अभी तक, 42 साल बाद भी. चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए. सोच ही रही थी कि आज शाम तुम्हारे घर आऊं, अब तुम्हारे साथ ही चल दूंगी. घर नहीं ले चलोगी? मैं अभी नहीं चाहोगे तो नहीं आऊंगी. नहीं मैं अभी चाहोगे तो शादी वाले दिन भी नहीं आऊंगी. लड़के वालों की तरफ से तुम्हें कैसे नाराज कर सकते हैं. चलो चलो. मनोज कैसे हो? हाय मनोज कैसे हो तुम? वेलकम अबोर्ड मैम. वाओ, मे आई? थैंक
थैंक यू. यू वेलकम. टू आईवी. श्योर मैम. इट्स वंडरफुल. काम का इतना प्रेशर रहता है कि बाहर निकल के एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिलता. यू नो व्हाट आई मीन. गुरु जरा बच के, ये लड़की पतंग खींच रही है तेरी. यस आई नो. एकदम मवालियों की तरह कपड़े पहन के आया है. आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो तुम. मैं अब बात तक नहीं कर सकता पोपट. कई आज की शाम इस गधे के नाम. मैं डिजाइन करता हूँ ना. बहुत अच्छा लग रहा है. रियली बहुत अच्छा लग रहा है. बैठे बैठे. हाँ बैठे. इधर इधर. ओके ये टेबल है. उधर से. अरे शी फिल रहा है एक्चुअली. अच्छा अब आप लोग क्या करेंगे? शादी तो हो नहीं पाएगी. शादी तो होनी पड़ेगी मनोज सर. तुम एक बार पिया से बात करो ना. लेकिन लंपट गवार. बेटा नर्वस मत हो. नर्वस मत हो. ये I'll get you another drink sir. No why? Okay sir. Yes. Let's dance. Huh? Yes. हाँ let's. No. No, अरे आओ ना. No. Come let's dance. हाँ. Oh. Yeah let's dance. तुम तो हो ही ऐसे. लंगूर की तरह उछल रहा है. चलो लेट्स गो बैक. हाँ चलते हैं. नहीं नहीं बहुत अच्छा. अभी तो मैं वार्म अप हो रहा हूँ. कम कर ही जा रहा है. तो फास आ रही है मनोज. हाँ ये तो तुम्हें मेरी खातिर करना ही पड़ेगा. क्या? पिया को मनाना पड़ेगा. ये मैं कैसे कर सकता हूँ? वो इतनी सी थी जब से चड्डी पहनती थी तब से मेरी गोद में खेल रही है. पोपट गवार. इसीलिए तो मनोज. इसीलिए तो उसकी खुशियों का ख्याल तुम नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? हाँ. क्या होता है ये प्यार व्यार? शादी के एक दो साल बाद सब खत्म हो जाता है. सब एक जैसा हो जाता है. लव मैरिज हो या ना हो सब प्यार ही से तो शुरू करते हैं. फिर सब खत्म हो जाता है. बच्चे कच्चे घर बार. ये तो मैंने कहा था. वही तो मनोज. वही तो. पता है कितनी बार रिवाइंड करके देखा है मैंने ये सीन? 10 बार. और अब तो मुझे तुम्हारा ये डायलॉग रट सा गया है. तुम कहते हो तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. एक बेचारा चाचा अपनी भतीजी को मना रहा है. वो नहीं मान रही. वो रो रही है. लेकिन चाचा के सामने उसके घर की इज्जत है. क्या कहेंगे लोग? क्या कहेगी दुनिया? मनोज की भतीजी शादी से पहले एक लड़के के साथ भाग गई और वो भी नेशनल नेटवर्क पर 47 करोड़ लोगों के सामने. कैसा लगेगा तुम्हारे बूढ़े बाप को? कैसा लगेगा तुम्हारे देवता जैसे भैया को? देवी जैसी भाभी को? सोचो मनोज सोचो. हाँ सही तो है. नहीं नहीं
लेकिन राहुल राहुल तो पिया से प्यार करता है और शायद ठीक कहती हो तुम, ठीक कहती हो तुम। मेरे समझ में आया, समझ में आया, मैं क्या करूं। अस्मी हाँ? तुम्हारा ये ढीला है थोड़ा जिप। मैं पिया को दुखी नहीं कर सकता। साला नॉनसेंस, 1300 का बिल, ऊपर से मेरी बेस्ट ड्रेस का जिप भी खराब हो गया। जिप? कैसी जिप? अब क्या करें, लगता है मेरे सारे सपने सपने ही रह जाएंगे। कुछ तो सोचो कविता, कुछ तो सोचो, कैसी राइटर हो तुम। एक आइडिया है। क्या? अगर कहानी यहां पर रुकी हुई होती, जहां भी रुकी हुई है, तो मेरा अगला सीन ये होता। लड़की के मोहल्ले की सबसे हरामी औरत, माइंड इट, हाँ, सबसे हरामी औरत को उसके घर से भागने का प्लान पता चल जाता और वो जाकर ये सब बातें उसके घर वालों को बता देती। फिर क्या? उसके बाद तो उसके घर वालों से निपट ही लेंगे ना। What an idea! You are too good! Genius हो तुम। मगर कविता, ऐसी औरत इस मोहल्ले में है कहाँ? It's simple यार। हाँ, जब भी किसी दूसरे के घर में आग लगानी होती है ना, तो by nature मोहल्ले की सारी औरतें हरामी होती है। Very bad. क्या? तुम्हें कैसे मालूम? आप उसकी फिक्र मत कीजिए अंकल, आप तो सिर्फ पिया को संभालिए। किसी और को मत बताना। कैसी बातें करते हैं आप, जैसे आपका घर वैसे मेरा घर। मैं क्यों किसी को बताने लगी? भैया अंदर चलो, एक मिनट अंदर चलो, चलो अंदर। इतना मारूंगा कि भूल जाएगी ये सब प्यार व्यार। अभी तक तो सिर्फ मुझे पता है, तेरे बाप को अगर पता चल गया ना तो यही जिंदा गाड़ देगा। अरे झूठ क्या देती, सर पे चढ़ गई तू। मना किया था ना उसे मिलने, फिर क्यों गई मिलने उसे? 2 दिन के बाद शादी है, नाक कटवा देगी हमारी। बाबूजी को कैसे पता चल गया? आप लोग ने बताया? अरे हम कैसे बताएंगे, हम बताएंगे तो खुद हमारा सीक्रेट नहीं खुल जाएगा। कौन सा तहल का कांड है भागा भागी, मोहल्ले में किसी को पता चल गया होगा। बाबूजी बाबूजी, हाँ, एक बार ऊपर चले के बात कर लेंगे। क्या हुआ? अच्छा तो अब चलती हूँ, एक दिन हो गया, अगर और रुकी ना तो बेटी कहेगी लड़की वालों के यहाँ जाके बस ही गई। अरे सुरेश कहाँ है? वो तो ऊपर है। शेखर भैया को मत बताइएगा आप पिया के बारे में। तुझे कैसे मालूम? मुझे तो मालूम है पहले से। ओ, तब मैं कहूँ कि इतनी हिम्मत कैसे हुई पिया की, तो तू उसे बढ़ावा दे रहा था। कितना गिरा हुआ आदमी है तू, अपने भाई की पीठ में छुरा घोंपता है।
उस भाई को जो तुझे पालता है, घर में रखता है। काम का तो तू कुछ करता नहीं, नाकारा, नालायक, बैठ के भाइयों की कमाई पर रोटी तोड़ता है और उन्हीं की पीठ में छुरा फोंकता है। मार बुड्ढे मार, अकल ठिकाने लगा दे इस धोखेबाज की। मत जाओ रती आंटी, आपको देखना चाहिए नाटक। मनोज, मनोज, अरे कितने दोगले हैं आप लोग बाबूजी, छुरा मैंने ही आप भोंक रहे हैं आप लोगों की पीठ में। मनोज, मैं बाद में आती हूँ। नहीं आंटी, आप रुकिए, आप देखते जाइए, आप उस आदमी को देखते जाइए जिसने 40 साल पहले आपको धोखा दिया था। मनोज, चिल्लाइए मत बाबूजी, पूरे घर में तमाशा हो जाएगा। याद है आंटी आपको, हमने तो बस आपके किस्से सुने हैं, आपने तो उसे भोगा होगा। आप दोनों प्यार करते थे ना एक दूसरे से, आपके घर वालों ने शादी से मना कर दिया, भागने वाले थे ना आप लोग, लेकिन नहीं भागे। क्यों? क्योंकि मेरे बाबूजी में हिम्मत नहीं थी। उसके बाद मेरी माँ से शादी की, उसको भी प्यार करने की हिम्मत नहीं थी इनमें, सारी जिंदगी भागते रहे उससे। वो बेचारी मरी तो पता नहीं इनकी आंख में असली आंसू था कि नकली आंसू था। आज फिर भागना चाहते हैं ये, अपनी पोती की खुशियों को गला घोटना चाहते हैं। आज वो भागना चाहती है अपने प्यार के साथ, ये उसको रोकना चाहते हैं। ठीक है बाबूजी, मैं ना कर रहा हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं इन लोगों की रोटी के टुकड़ों में पल रहा हूं, लेकिन मैं आपकी तरह भगोड़ा नहीं हूं। मुझे बहुत रोना आ रहा है अस्मी। मत रो कविता, मत रो। तुम्हें नहीं रोना आ रहा ये सब देख के? ये बुढ़ा अगर बदल गया तो शो हाथ से निकल जाएगा और तब मुझे बहुत रोना आएगा। हाँ, हम लोग कितने हार्टलेस है ना। हाँ कविता, हम ऐसे ही थे, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। पिया किसी और से प्यार करती है? पिया की शादी तुम्हारे नाती के साथ ही होगी। बिल्कुल वैसे जैसे मेरी शादी किसी और के साथ हुई थी, और तुम्हारी भी। यह सब अब पुरानी बातें हो गई हैं रति। ऐसे ही ये बात भी पुरानी हो जाएगी एक दिन, है ना? कल शादी है रति, हम उसे कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ शायद तुम ठीक कहते हो। पता है सुरेश मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि पिया भाग जाए। वो भागेगी तो लगेगा जैसे मैंने अपने पाप धो लिए। दूल्हा मेरा नाती है, फिर भी काश पिया भाग जाए। पिया नहीं भागेगी। मुझे मालूम है सुरेश, अगर तुम्हारे और मेरे जैसे लोग ठान ले तो कोई पिया कभी नहीं भाग सकती। फिर भी जो सपना 42 साल पहले पूरा नहीं हो सका, उसे आज देख लेने में क्या हर्ज है? Okay. अस्मी, हाँ? कुछ सोच रही हो? नहीं, नहीं। सोच नहीं रही हूँ स्टूपिड, सपने देख रही हूँ। मुझे यश चोपड़ा ने बुलाया है। अस्मी, हमने तुम्हारा टीवी शो देखा, वंडरफुल। हमारे साथ एक फिल्म करोगी? थैंक यू सर, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, लेकिन वो सिर्फ शाहरुख खान को सूट करती है। ओके, नो प्रॉब्लम। और कोई? जी, एक और इम्पोर्टेंट रोल में अगर अमिताभ जी हो जाएगा, डन। और हीरोइन? हीरोइन सर वो तुम?
मैं अंदर आ सकता हूँ? अब मेरे दरवाजे पे खड़े होके पूछेगा तो भगा दूंगी क्या? मैं तुम लोगों के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने आया हूँ। ये अपना पैसा लो वापस और कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दो। लेकिन सब कुछ तो वैसे हो रहा है जैसे होना चाहिए। हाँ, तुम लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। पागल मत बनो, 5 लाख रुपए बहुत सारे पैसे होते हैं। बहुत होते हैं, लेकिन मैं जेबें फटी में रखूंगा कहाँ इन्हें? उनको रखते रखते मेरा दिल भी फट गया तो क्या करूंगा इसमें जी? ये कोई फिल्म नहीं है जहाँ तुम ऐसे घटिया डायलॉग मारो। मैं अपनी असली जिंदगी में इससे भी घटिया डायलॉग मारता हूँ। घटिया डायलॉग मारता हूँ, घटिया काम नहीं करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ आपके पास होगा नहीं, तो दे देना अपने प्रोड्यूसर को, रखिए इन्हें, कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देना। और घबराओ मत, मैं तुम लोगों का काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। तुम लोग इस शो को टीवी पे जरूर दिखाना, क्योंकि शो का दी एंड अब कुछ और होगा। मतलब? मतलब ये कि प्रिया भागेगी और उसको मैं भगाऊंगा। और तुम्हारे घर वाले देखते रहेंगे? हा? वो भी देखेंगे, आप लोग भी देखोगे, और टीवी पे आएगा तो सारी दुनिया देखेगी। शर्त लगाना, लगा लो शर्त, प्रिया ये शादी नहीं करेगी। ये आदमी है कि पैजामा? मेरी पहली ही फिल्म हिट होगी, सुपर डुपर हिट, फिर एक के बाद एक 3 फिल्में हिट, हैट्रिक। और तब मैं वो फिल्म बनाऊंगी जो सच्ची होगी, असली लोगों की असली जिंदगी पर। मुझे अवार्ड्स भी तो जीतने हैं। And this year, the Oscar goes to Asmi Ganatra. I've got it. Huh? I have got it. मुझे आइडिया मिल गया। अपना स्टंट मास्टर। अरे, हाथ थोड़ा लेफ्ट पेन कर, थोड़ा हाथ थोड़ा और ये क्लैप क्यों बीच में लेके आया तू? चल, हाँ नेट फिक्स कर, फिक्स। तमिल एक कपड़े तक नहीं है ना कोल, प्रोड्यूसर बनी फिर दिया कंगले साले, इन्हें दी पहन दी टिंडी। टप्पू भाई, ओ प्रोड्यूसर साहब, इतने दिनों के बाद आखिर हमारी याद आई गई। ओए ओए ओए, हाथ पकड़, उठ उठ, खड़ा हो जा। आ यार, और तुम जाओ वहां जीप में शॉट लगवाओ। जी। क्या बात है, कुछ चलचुल नहीं रहा है क्या? ओ एक हाथ पड़ते तो गिर गया। उसी ले तो आया हूँ। ओए सदके जाऊं तेरे, सदके जाऊं। ओए यार बांधा ही नहीं, तू डेट बता, सीन बता, हम हाजिर हो जाएंगे, इसमें कौन सी बात है? डेट है कल और सीन है नहीं। क्या बात कर रहा है? देख भाई, मैंने आजकल ना बिना बाउंड स्क्रिप्ट के काम करना बंद कर दिया है। टप्पू भाई, ये वैसी वाली शूटिंग नहीं है। तो फिर कैसी शूटिंग है? इसमें फाइट पहले होगी और शूटिंग बाद में। ये बेचारा बेकार में ही परेशान हो रहा है ना। इसे तो मालूम ही नहीं है कि हमारे प्लान्स क्या है। जो भी हो, इस आदमी में हिम्मत तो है। Thank you.
अरे हटो यार, क्या हो रहा है देखने तो दो। भैया फिल्मों में देख के हम सोचते थे कि ये ससुरी डिशुम डिशुम की आवाज कहाँ से आती है, अब पता चला कि बंबई में तो मारते ही ऐसे हैं डिशुम। तेरी तो मामा आराम से। क्या बात है, ऊपर है? किससे मिल? अच्छा, कहाँ जा रहे हो? हाँ नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो तुम? जरूरी 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 है। अरे एक मिनट, क्या मैंने कहा रुक जाओ तुम? एक मिनट, अरे रुको, क्या मतलब ऐसे घुसे चले जा रहे हो? मैं कहता हूँ रुको तुम। अरे ये तो वो किसने पीट दिया? चार गुंडे थे, मार मार के कह रहे थे कि अगर पिया की तरफ देखा तो जान से मार डालेंगे। लेकिन मेरे घर वाले ऐसा नहीं करेंगे। क्या? अरे बा, ये प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। अच्छा सुन, मैं तुझे कहने आया था, आज रात को 8 बजे पिया तुझे अंकल्स किचन पे मलाड में मिलेगी। अंकल्स किचन हो या आंटीज किचन हो, कहीं नहीं जाएगा ये। राहुल कह देने कि नहीं चाहिए तुझे इनकी पिया। वो तुम्हें प्यार करती है यार। रात को ठीक 8 बजे। हाँ ओके। तो अब आप लोग पिया के माई बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बॉयफ्रेंड को पिटवा रहे हैं, यहाँ मोहल्ले बैठ के षड्यंत्र कर रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो झूठ भी बोलने लगी हो तुम। वाह क्या तरक्की की इन 3 दिनों में तुमने। क्या हो जाएगा अस्मी अगर ये शो टीवी पे नहीं आया तो? थोड़े दिन और स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, हो सकता है तुम कभी डायरेक्टर बन ही नहीं पाओ। लेकिन ये सब तुम एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके हासिल करना चाहती हो? जस्ट शट अप एंड गेट आउट। ओके सॉरी, आई एम सॉरी अस्मी, आई एम सॉरी, मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं सोच रहा था मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, फिर मुझे लगा कि आप लोग सही तो हैं, भैया बाबूजी भाभी आप सब लोग सही तो हैं, आखिर परंपराएं भी कोई चीज़ होती है। याद है अमिताभ बच्चन का डायलॉग, कभी खुशी कभी गम में, हम सब कुछ तोड़ सकते हैं पर परंपराएं नहीं तोड़ सकते। वो पैसे तुमने वापस कर दिए क्या? पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, डोंट वरी। मुझे लगा ना माया मिली ना राम, पैसे चाहिए मुझे। हाँ 5 लाख बहुत होते हैं। और चाय पियोगी? कविता जरा चाय मंगाना। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये डब्बे में बैठे बैठे बोर नहीं होती, चलो बाहर पी के आते हैं। चलो 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 चलो। ओके चलो चलो, मैं अभी आती हूँ। ओके चलो। इधर नहीं, इधर नहीं, उस तरफ, उस तरफ, वो देखो ऊपर मुर्गी। अरे बाप रे, आप तो गिर गई। अरे यार ये तबेले वालों की गाय पता नहीं कहाँ कहाँ देती हैं। अरे बाप, अब क्या करेंगी आप? अब तो नहाना पड़ेगा आपको, लेकिन गोबर के कपड़ों में घर कैसे जाएंगी? मेरे में घर है, वहां चल के नहा लीजिए। अरे कपड़ों में क्या करोगी, कपड़े क्या पहनोगी? अच्छा ऐसा करना, नीलम अभी कपड़े पहन लेना, मैं उन्हें समझा दूंगा, समझ जाएंगे, अच्छी औरत है। हाँ चलो, खड़ी मत रहो, पूरा मोहल्ला सड़ जाएगा। चलो ठीक, हाथ बंधाओ, हाथ बंधाओ, दूर दूर जाओ। चलो
साड़ी अच्छी है लेकिन ये सब क्यों दिया मुझे? दादी बन जाओ, दादी बन जाओ, दादी बन जाओ। बहुत खतरनाक बुड्ढा है। क्या? आंखों से खा जाता है। कौन? मुड़कलो मुड़कलो मुड़कलो। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो दादी। मगर क्यों? धीरे धीरे, खड्डा है, खड्डा है। आगे देखो। नहीं दिखाई दे। दौड़ो मत, टांग टूट जाएगी। ओह, निकल चलो, मुड़कलो मुड़कलो मुड़कलो। हे राकेश। हाँ जी। ये कौन है? कहाँ? ये कौन? ये हाँ, ये तो हमारे बहुत पुराने दूर के रिश्ते की दादी है। दादी? हाँ। राम राम। पर उम्र तो नहीं लगती इतनी ज्यादा। ऊपर से अंदर से देखेंगे तो 95 साल की, 95 इयर्स। अरे अरे, प्यार प्यार में चांटे मारती है मुझे। ये बहुत प्यार करती है मुझे मेरी दादी जी। बहुत प्यारी हैं। अरे सठिया गई। अरे क्या बकरे हो तुम? क्या कह रही है? घूंघट के बाहर अब देखने के लिए कुछ बचा नहीं है, भगवान घूंघट के भीतर भीतर ही उठा ले। नहीं, ख्याल तो अच्छा है ये भी। क्या नाम है तेरा? राकेश। स्वर्ग जाएंगी सीधी। वैसे एक सीक्रेट मैं आप तक पहुंचा देना चाहता हूं आशताव जी। बोल। मैं सोच रहा हूं अपना नाम चेंज कर लूं, राकेश मुझे सूट ही नहीं कर रहा है। पंडित से पूछ लिया? पूछ लिया, बोला राकेश चेंज करके मनोज कर लो फौरन। नाम तो ये भी अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। तो आज से मेरा नाम मनोज मनोज है ताऊ जी। मैं चलूं ताऊ जी? इनको लेके जाना हमाम। चलो। हमाम? अरे तुम चाय पीने गई थी या शॉपिंग करने? मैं गोबर में गिर गई थी। गोबर में? यक, शी। ओ अब, अरे वो तो अच्छा हुआ मैं था इनके साथ, वरना अब तक आप लोगों की नाक सड़ गई होती। कसम से इतना बदबूदार गोबर मैंने आज तक नहीं सूंघा। वैसे इस ड्रेस में सही लग रही है अपनी अश्मी जी, नहीं? That's true। एकदम कयामत से कयामत तक की जूही चावला जैसी। अरे? जैसी क्या? असली जूही चावला फेल हो जाए इनके सामने। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया फिल्म दिखाता हूँ। फिल्म? हाँ, अभी भी ताज़ा ताज़ा शूट की है। बहुत ही मस्तीन है। लगाओ जरा इसे। है ना मस्तीन? How dare you? बड़े घटिया डालो मारती हैं। अरे कमीने कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मैं तेरा दिल निकाल के गोबर में गाड़ दूंगी। मुझे वो दे दो मुझे। बस 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 बस। छोड़ो। ऐसा लगता है अश्विनी जी, जब नंगों के हमाम की खिड़की आपके घर के अंदर खुलती है। वैसे मैं ये कैसे जब अपने केबल वाले को दूंगा ना, क्या? तो मैं कोई डील नहीं करूंगा। क्या करूंगा इतने पैसे का? 5 लाख रुपए तो आप दे रही हैं। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। ओह, इंस्पेक्टर कांडे को बुलाऊं? उस बेचारे लड़के को पिटवाने की क्या जरूरत थी आपको? मैंने उसे नहीं पिटवाया। तो आपने रोका भी तो नहीं, कोई विरोध भी तो नहीं किया आपने? मगर मैं क्या कर सकती थी? हम सॉरी, मुझे सब करना पड़ा, लेकिन याद रखना इस हमाम में हम सब नंगे हैं। आप, मैं, हम सब। रखो इसे। कुछ लोगों को खुजली होती है सही होने की। इस इडियट को भी कुछ ऐसी ही खुजली है। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे होते हैं जब आप सिर्फ चाय की चुस्कियां लगाते बैठे नहीं रह सकते। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, फैसले लेने होते हैं। ये इडियट क्या सोचता है? ये दुल्हन को भगाएगा और मैं इसे ऐसे ही चले जाने दूंगी?
पिया। भाभी मैं पिया को ले जा रहा हूँ। कहाँ? जहाँ इसको जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? भाभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इसको उसके पास ले जा रहा हूँ जिसके पास इसको इन दुल्हन के कपड़ों में जाना चाहिए। चल पिया। चलो किती। पिया मनोज ये तुम क्या कर रहे हो? जो हम सबको करना चाहिए भाभी। मनोज तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो देवा जी, भाग जाओ जितनी दूर भाग सकते हो, मैं आधे घंटे से पहले किसी को नहीं बताऊंगी। जाओ। हाँ थैंक्स। तुम भाभी की साड़ी में वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ? काश मेरे साथ भी कोई भागने वाला होता। चाचू मैं ढूंढूंगी ना आपके लिए एक सुंदर सी चप्पल। अरे तू क्या ढूंढेगी मेरे लिए? इनके जैसी चलेगी? हाय राम तुझे पसंद है? बहुत। आपको हो तो बात करके देखो। करना नहीं एकदम काट लेगी। प्रीति भाभी पिया कमरे में नहीं है। पिया कमरे में नहीं है। पिया भाग गई। अब क्या होगा हम लोगों का? क्या कहेंगे हम लड़के वालों से? आठ का साढ़े आठ हो गया अभी तक आया नहीं। क्या नंबर पता है? तुझे नंबर लगा? हेलो हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? राहुल मैं बोल रहा हूँ। मनोज तुम कहाँ हो? तुम अभी तक वहीं हो? यार हम लोग तो यहाँ पहुँच गए हैं। हाँ जहाँ बोला था। हेलो क्या 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 कह रहा है? हाँ उसको बोलूं शादी कर ले? अरे दिमाग खराब है क्या? पागल है क्या? हेलो सुन, अरे तू उससे प्यार करता है कि नहीं? हेलो 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 तो नहीं आ रहा। चल 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 घर चल। बैठ बैठ। पिया पिया रुक। पिया 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 लौट आई है। पिया लौट आई है। पिया लौट आई है। पिया लौट आई है। अरे सुन शेखर ले ले ले। बार बार फिसलता क्यों रहता है? हाँ?
क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? वो सब बाद में देख लेंगे, बारात आ गई है, पहले से तैयार करवाओ। दीदी लगते हैं भाभी कवार है, इतना लंबा घूंघट निकाल कर आई है। तो हटा दे पूनम, भाभी तेरी है। हटा दूं? हटा दे। अभी कहाँ भाभी है बिटिया, पहले साथ फेरे तो होने दो। आहा, आप उधर उधर। अच्छा, ये चंदन की लकड़ी नहीं लग रही है? हाँ, जल्दी है सबको। खालिद चंदन है पंडित। नहीं नहीं, बहुत धुआं दे रही है, तब तो घी में आपका खराबी है। आपको दक्षिणा हम भी देंगे पंडित जी, आप सिर्फ लड़के वालों की तरफदारी मत कीजिए। ओम गणपतये नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लड़की तो देख लो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा। कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को, किसी ने मारा? पिया, पिया, पंडित जी एक मिनट। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है जजमान, तो निकलने दीजिए। गिरा, मुझे पिया से अकेले में बात करनी है। आओ पिया। अरे अरे, कहाँ कहाँ ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है? अब क्या बात करनी है भाई? क्या हुआ? है? अब बताओ क्या हुआ था तुम्हारे चेहरे को? देखो, अगर कुछ हुआ है तो मैं जानना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ क्योंकि तुमसे शादी कर रहा हूँ मैं, और तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बितानी है मुझे। अरे तुम क्या रोथड़ी लड़की हो? और क्या, जब से मिली हो रोए जा रही हो? मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट कहाँ? Shit. कुछ भी बोल दे पिया, लेकिन सच मत बताना, प्लीज सच मत बताना। नहीं कविता, आज सच को बाहर आ जाने दो, होने दो जो होता है। पिया प्लीज, देखो देखो, झूठ नहीं। हाँ, तुम्हारे साथ अपने जिंदगी भर के रिश्ते की शुरुआत मैं झूठ के साथ नहीं करना चाहता हूँ। मैं भाग रही थी। You eat chocolates? अरे पहले मैं भी बहुत सारे खाया करता था, पर दांतों की तो रेड लग जाती है। I tell you, you know, शादी में मेरे दांत अच्छे लगे, इसलिए I paid 20,000 to the dentist. Dentists are robbers, I tell you. Really? 20,000 के तो आज तक मैंने चॉकलेट्स भी नहीं खाए होंगे। Nice. हाँ तो हमारी शादी का क्या हुआ? प्यार तुम किसी और से करती हो, शादी मुझसे करना चाहती हो? मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। ठीक है, रिलैक्स, हम ये शादी नहीं करेंगे, और अगर तुम चाहो तो तुम उस लड़के को बुलाकर। मैं उससे भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। I hate him. उसने मुझे धोखा दिया। Oh.
देखो पिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अब तक तो नहीं, और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं अब तक। मगर मेरा यकीन मानो, पिछले कई दिनों से मैंने मान लिया था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी, और ख्यालों ही ख्यालों में जो घर मैंने बसाया था, उस घर में तुम मेरे साथ थी। तुम्हारे रिश्ते के लिए जो फोटोग्राफ आई थी ना, तुम्हें पता है तुम्हारे उस फोटोग्राफ को स्कैन करके मैंने अपने कंप्यूटर पे और भी बड़ा बना दिया है। और क्या तुम्हें पता है कि हर रात को सोने से पहले मैं क्या करता था? तुम्हें उस कंप्यूटर पे किस किया करता था? वैसे आज भी मैं तुम्हें किस करना चाहूं? यू नो पिया, यू सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, एंड दैट्स अ कैट। यू नो आई हेट कैट्स, बट व्हाट द हेक, दैट्स अ नाइस कैट। पिया तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, रोना मत। हाँ, क्यों, क्या है कि मैं रोती हुई दुल्हन को अपने घर नहीं ले जा सकता ना। मैं नहीं चाहता कि जब तुम मेरे चौखट पर वो चावल वाले बर्तन को गिराकर अंदर कदम रखो तो तुम्हारे आंसू भी गिरे। इट डजंट लुक नाइस, है ना, बोलो ना। हमें जो चाहिए था वो सब हमें मिल चुका था। दुल्हा दुल्हन, रस्म और रिवाज, नाच गाना, मौज मस्ती, लेकिन हमें कुछ और माल मसाला भी मिला था। एक नौकरानी के पीछे लार टपकाता चाचा, 65 साल की उम्र में भी कामसूत्र को आजमाता दादा, अपने प्रेमी के साथ भागती एक दुल्हन जो घूम फिरकर उसी लड़के से शादी करती है जिसका नाम उसकी मैरिज कार्ड पे छपा है। बहुत कुछ था इस शादी में। हमें शादी चाहिए थी और मिली थोड़ी सी ज्यादा शादी। हमें 7 फेरे चाहिए थे और मिले 7.5 फेरे। Marvelous. Thank you, ma'am. And you, you've done it! Congratulations! तमाशों के बाजार में शादी का तमाशा ऊंची कीमत रखता है। शादी का हर फेरा लाखों करोड़ों का बिकता है। बेचने वालों को मालूम है कि शादी से ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा शादी बिकती है। 7 फेरों से ज्यादा 7.5 फेरे बिकते हैं, और इस बाजार में तो वही बेचा जाता है जो लोग खरीदते हैं, चाहे वो सनसनीखेज खबरें हों या म्यूजिक वीडियोस का नंगा नाच, चाहे वो पेशथ्री पार्टीज हों या खुदकुशी करते किसान। हम वही बेचते हैं जो बिकता है, फिर चाहे फेरे 7 हों, 7.5 हों या 7.5। अश्मी, ये क्या कर रही हो? अश्मी, ये क्या कर रही हो? आपको जो शादी चाहिए थी वो आपको मिल गई, लेकिन शादी के पीछे जो नाटकबाजी है वो आपको क्यों चाहिए? मजा आएगा, ऑडियंस को मजा आएगा। और उसका क्या जब एक लड़की के बाप का दिल टूटेगा, उसकी फैमिली की इज्जत पर जो धब्बा लगेगा उसका क्या, और उस लड़की का क्या जिसने अभी अभी अपना घर बसाया है? Who cares? Yeah, why should we care? You may not care, I care. तुम पागल हो गई हो, तुम क्या? हम सब हिजड़े नहीं हैं, और अगर हम वैसे थे और वैसे हैं, तो किसी ना किसी को कुछ और बनना ही पड़ेगा। She's lost it, she's lost it. ये पागल हो गई है। पागल थी, अब होश आ गया है।
Asmeet! Asmeet! My God! हम सबके पास जिंदगी में कभी ना कभी मौका आता है हीरो बनने का, और कभी कभी हीरो बनना अच्छा भी लगता है, लेकिन उसके बाद मुझे निकाल दिया गया। क्या जरूरत थी मुझे हीरोगिरी करने की? ओके कविता, सो दैट्स इट। शो बहुत बढ़िया बना यस्मी, एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू यू। थैंक्स। कहीं और ज्वाइन कर रही हो? कौन लेगा मुझे? अब तक सारी इंडस्ट्री में मशहूर हो गया होगा। उस डायरेक्टर से बच के रहना, वो तो अपने ही टेप्स काट के फेंक देती है। ये सब उस इडियट मनोज की वजह से हुआ। काश मैं उस घामड़ से कभी मिली ही ना होती। मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब बिगाड़ने के लिए बचा ही क्या है? तुम बार बार जानबूझकर टकराते हो ना मुझसे। तुम्हें देख के तो मेरे होश ही उड़ जाते हैं, पैर अपने आप ही स्लिप हो जाते हैं। पूछ के देखूं? हटो, कहीं मारेगी तो नहीं? अच्छा आज क्या कर रही हो रात को, शाम को? क्यों नहीं, ऐसे ही मतलब घूमने घूमने चले डिनर विनर। तुम फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? नो, नहीं। यू नो आई एम मैरिड, शादीशुदा हूं मैं। मजाक कर रही हूं मैं। बहुत आजादी हो यार। पता नहीं क्यों मुझे अचानक से लगा कि मनोज से मिलना मुझे अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स मुझे फिल्में बनाना भी अच्छा लगेगा, और शायद मैं वो फिल्में बनाऊं जिसमें रात के तारे आंगन में उतर आते हैं, चांद बादलों में जा छिपता हो। व्हाट द हेल, यू वांट एंटरटेनमेंट, सो बी इट। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। रात को और सजाओ रे खुशियों की, वो चली नगरिया मिलके शगन बनाओ रे।